आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं शायर और अफसाना निगार का तारुफ। आज मैं आपको शायर की पैदाइश, वफात और उनके बारे में बारीकी से मैं जानकारी दूंगा, इसे आप ध्यान से समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे। शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहां हुई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं एक सवाल में दो सवाल एक साथ डाल दिया हूं, क्योंकि कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके, जानकारी हासिल हो सके। तो शबनम कमाली की पैदाइश कब, तो 1938 ईस्वी में हुई है। और कहां हुई, इस तरह के सवाल रहेंगे तो कहां हुई, पोखरियारा सीतामढ़ी में, पोखरियारा सीतामढ़ी। अगर जिला का नाम पूछेगा तो सीतामढ़ी बोल देंगे, गांव का नाम पूछेगा तो पोखरियारा बोल देंगे। और कब पैदा हुए हैं, तो 1938 ईस्वी में। अब आइए शबनम कमाली का असल नाम क्या था, तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा था, मुस्तफा रजा। शबनम कमाली का असल नाम जो है मुस्तफा रजा है। ये इस तरह के सवाल जो होंगे आपको ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव अगर सवाल होगा तो उसमें चार ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ये यही पर सवाल के तरह होंगे तो उसका जवाब आप पूरा देंगे कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा था। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो 2006 ईस्वी में। इस तरह ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद है शबनम कमाली के तीन शेरी मजमुए का नाम, तो शबनम कमाली के कई मजमुए हैं जिसमें से मशहूर है अनवारे अकीदत, अनवारे अकीदत। दूसरा है फिरदौस अकीदत, फिरदौस अकीदत। और तीसरा है रियाज़े अकीदत, क्या है, रियाज़े अकीदत। ये शबनम कमाली के तीन शेरी मजमुए का नाम है, अनवार अकीदत, फिरदौस अकीदत और रियाज़े अकीदत। उसके बाद आपका शबनम कमाली का तारुफ यहाँ पे खत्म होता है। अगला सवाल होता है सुहैल अजीमाबादी। आप जानते होंगे, आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि सुहैल अजीमाबादी एक अफसाना निगार है जो आपके निसाब में भाभी जान लिखा है। तो अब आइए सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश कब और कहां हुई, तो इनकी पैदाइश जो है कब, तो इसमें लिखेंगे 1911 ईस्वी में। ये कब और कहां हुई, तो अजीमाबाद जो है पटना का पुराना नाम है, इसलिए अजीमाबाद जब भी होगा तो आप समझ जाएंगे कि अजीमाबाद पटना को कहते हैं। इसलिए सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में और कहां हुई, पटना में। तो ये आप यहां पे लिख सकते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल या सब्जेक्टिव होगा, उसको अगर सब्जेक्टिव होगा तो आप उसका पूरा जवाब देंगे कि सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई, तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अब आइए सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, तो इनका सुहैल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। क्या नाम था, सैयद मुजीबुर रहमान। सुहैल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम
किस मदरसे में हुई, ये तालीम कहाँ से हासिल किए, किस मदरसे से तालीम हासिल किए, तो ये इनके मदरसे का नाम है भदौल मदरसे से। क्या नाम है? भदौल मदरसे से। इसका जवाब पूरा लिखने के लिए आप किस तरह से लिख सकते हैं, सुहेल अजीमाबादी का बादी की इब्तदाई तालीम भदौल मदरसे से में हुई। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के तीन अफसानवी मजमुए का नाम बताएंगे। तो इनका पहला जो है चार चेहरे, क्या याद रखेंगे? चार चेहरे। दूसरा है अलाव, दूसरा क्या है? अलाव। और तीसरा है आदमी के रूप, आदमी के रूप। ये तीन जो है सुहेल अजीमाबादी के तीन अफसानवी मजमुए का नाम है। चार चेहरे नंबर एक, नंबर दो अलाव, नंबर तीन आदमी के रूप। सुहेल अजीमाबादी के एक नाविल का नाम लिखे हैं, तो सुहेल अजीमाबादी एक नाविल भी लिखे हैं जिनका नाम है बेजर के पौधे। क्या नाम है? बेजर के पौधे। इस तरह सवाल है, आपके निसाब में यानी आपके किताब में सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना है? तो हमने पहले भी पढ़ाया था कि भाभी जान, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं भाभी जान। अब अगला प्रश्न है, रुकैया भाभी के जिस जेवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था अख्तर। क्या नाम था? अख्तर। तो रुकैया भाभी सवाल अगर रहेगा इस तरह से कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है, अगर सवाल रहे तो जवाब पूरा लिखेंगे। रुकैया भाभी के जिस जेवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। अब आइए अगला प्रश्न है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो इसका जवाब होगा सियासत के शौक के वजह कर, शौक के वजह कर। क्योंकि रुकैया भाभी का शौहर जो है ये बार बार जेल चले जाते थे, उसका सिर्फ एक ही वजह थी कि वो सियासतदान थे, सियासत में शौक रहते थे और बार बार उनको जो है गलत तरीके से लोग उनको फंसा दिया जाता था जिससे वो जेल चले जाते थे। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो इसका जवाब होगा सिम्मी, सिम्मी नाम की लड़की थी। क्या नाम थी? सिम्मी नाम की लड़की। क्योंकि वो गरीब थी, क्योंकि वह गरीब थी। इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि रुकैया भाभी सिम्मी नाम की लड़की का तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि वो गरीब थी। अगला सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा, यानी क्यों बेचना पड़ा? तो इसका जवाब होगा सिम्मी के भाई को एमए की फीस अदा करनी थी। क्योंकि रुकैया भाभी सिम्मी नाम की जो लड़की थी उसको बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके हर परेशानी में रुकैया भाभी साथ देती थी। तो एक दिन रुकैया भाभी जो है मतलब सिम्मी से पूछा कि सिम्मी तुम क्यों नाराज हो, क्यों उदास हो? तो सिम्मी ने कहा कि भाभी हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि मेरे भाई को एमए के फीस जमा करना है और मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर रुकैया भाभी घर के अंदर दाखिल हुई और अपनी सोने की चूड़ी को निकाल कर उसको बेच दिया और उससे जो पैसे मिले तो उससे जो है सिम्मी अपने भाई का फीस जमा। सवाल था, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी?
तो उसका जवाब है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेल अलीमाबादी का इंतकाल कब हुआ था? इसका जवाब होगा सोहेल अलीमाबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में हुआ था। आज के लिए इतना काफी है, दो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे तो ज्यादा ज्यादा नंबर मिल जाएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला वीडियो मैं नात हम्द कसीदा के बारे में बताऊंगा।